जिसे हिजरत करके आने वालों ने रोशनियों का शहर बनाया है, जहां पूरे पाकिस्तान से लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने आए हैं। 65-70 की दिहाई में कराची तरक्की और खुशहाली के उरूज पर था और पूरे मुल्क को पालता, मगर कराची को हमेशा लूट का माल समझकर नोचा गया, कभी मजहब के नाम पर, कभी लसानियत पर। 15 साल से हुकूमत करने वालों ने कराची को सिंध के गांव में तब्दील कर दिया है। कराची में गैर मुकामी हुकूमत ने शहर को खंडर में तब्दील कर दिया है। शहर में रहने वालों के पास न रोजगार है, न बिजली है और न ही पीने का साफ पानी। कराची को खुददार और खुद मुख्तार बनाए, बल्ले पे मोहर लगाए।